अरे कौन नहीं है, मिनिस्टर, नेता, एमपी, एमएलए, क्लर्क, सब चोर है। सबके रगों में भ्रष्टाचार भरा है और दोष खाली हमरे मत्थे पर नहीं करता। और मुझे टिकटॉक से इनकम कुछ भी नहीं हुई है, सिर्फ एक फेम मिला है, एक पहचान मिली है मुझे, बस इसके अलावा मुझे पैसे अर्निंग टिकटॉक से मुझे कंटेंट क्रिएट करता हूँ उससे कुछ भी नहीं मिलता मुझे। हम पठान है साहेब, गरीब है तो क्या हुआ, लोग फिर भी खान के नाम से पहचानते। और तकरीबन 2021 में मैंने स्टार्ट किया टिकटॉक, और टिकटॉक प्लेटफार्म से मैंने वीडियो बनाना शुरू की। ये मेरी टिकटॉक पे जो है एंट्री का वो था। इसी तरह मेरा शौक और बढ़ता रहा, लोग मुझे लाइक करते रहे क्योंकि मेरे वीडियोस में एक्टिंग भी ठीक थी और लोकेशन और व्यू मेरे पास नहीं था, तो बस यही एक्टिंग की वजह से लोग मुझे लाइक करते रहे और पसंद करते रहे। टिकटॉक से तो मैंने कुछ भी नहीं कमाया, एड वगैरह मिलते हैं, अदर एप्लीकेशन में भी मिलते हैं, मतलब स्नैक ये लाइकी वगैरह पे, उस पर मैंने काम नहीं किया। वो ऐसी वीडियोस देते हैं हमें कि वो हमारे कल्चर के साथ जेब नहीं देता, हमें अच्छी नहीं लगती, और लोग करते हैं और मैं वो नहीं करता हूँ। टिकटॉक में तो ये मुझे फैन और फॉलोअर की तरफ से ये मिलता है कि गुड कमेंट भी है, बैड भी है। जब मैं बैड कमेंट देखता हूँ तो मेरा जो है थोड़ा सा मूड भी ऑफ होता है, वापस जो मैं अपने लवर्स और अपने भाई, अपने जो फॉलोअर हैं उनकी तरफ जाता हूँ और देखता हूँ, फिर मेरा शौक वापस बढ़ जाता है। और मुझे टिकटॉक ने एक नाम दिया है, जहाँ जाता हूँ लोग पहचानते हैं मुझे और मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। टिकटॉक से मुझे बस यही मिला। नवाज शरीफ का दौर अच्छा था या इमरान खान का दौर अच्छा है? यार दोनों का कोई खास फर्क नहीं है। क्यों यार? यार हम उसका टाइम में भी रोटी पकाता था, अभी भी रोटी पकाता।